सो गाइज, आप सभी बच्चों को पता चल चुका है, फाइनली एसएससी जेई का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और ये जो आप मेरे ऊपर देख रहे हो ना, ये सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा चेंज है इस बार के एसएससी के अंदर। यार 2006 से लेके ना आज तक एसएससी के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार मेंस का पेपर कन्वेंशनल ना हुआ हो, सब्जेक्टिव ना हुआ हो। आज हमारे देश के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जिनको बड़ा दिक्कत होता था यार कि सर मेंस में कैसे लिखेंगे, सर लिखना सिखा दो, सर कैसे क्या करना होगा, सर बड़ी दिक्कत होगी। तो भाई एसएससी ने आपके लिए टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिए और दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए हैं। मतलब अब आपकी जो झंझट थी ना मेंस की कि भाई हमको वहां पे सब्जेक्टिव लिख के आना पड़ेगा, वो खत्म हो चुकी है। बोथ पेपर इस साल से ऑब्जेक्टिव मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो बदलाव एसएससी जेई के इतिहास में आया है, वो सबसे बड़ा बदलाव है, आज तक नेगेटिव मार्किंग जो थी, ओल्ड नेगेटिव मार्किंग जो आप लोगों को मिलती थी, ओल्ड नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को जो मिलती थी, ओल्ड नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को जो मिलती थी वो 1/4 थी। मतलब अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो 0.25 मार्क्स कटते हैं। लेकिन अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो दोनों ही पेपर के अंदर, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 1/3 कर दी गई है। सर ये कहाँ मिलेगा? एसएसटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 13.4 आप देख सकते हैं, जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो भाई नई नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, कितनी? 1/3। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को ज्यादा फायदा होता है जो थोड़े एक्यूरेसी जिनकी अच्छी मेंटेन होती है। तुक्काबाजी खत्म करो, एक क्वेश्चन 1/3 नंबर लेके चला जाएगा। तो सर इससे क्या कर पेपर के लेवल पे भी कोई चेंज होगा? यार मेरी वीडियो का वेट करो, अब समझ में आ रहा है एसएससी जेई ने ये जो बड़ा कदम उठाया है, ये कहां से बड़ा कदम सोच के उठाया है, ऐसा इनके दिमाग में क्या आया, जहां से इन्होंने सीधे दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिए और नेगेटिव मार्किंग 1/3 करी। मतलब कहीं ना कहीं इनके पास कहां से क्लू आया है, उसके लिए मेरी वीडियो का वेट करेंगे। कल ये वीडियो आने वाली, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।